राष्ट्रीय स्तर पर कपास का अद्वितीय महत्व होने से बावजूद दुर्भाग्य से केंद्र एवं राज्य सरकारें कपास किसानों को असमझ में डाल रही है, जिसके कारण आय व्यय तथा प्राप्त मूल्य में सामंजस्य नहीं बना पा रहा है तथा किसान को नकदी नहीं मिल पा रही है। लागत और बाजार मूल्य के बीच बहुत बड़ा अंतर है। कोई ब्याज दर, ऋण, फर्जी बीज, छिड़काव, कटाई की लागत बहुत से बाहर हो गई है, जिसके कारण कृषि में गहरा संकट पैदा हो गया है और इसके कारण कपास किसान आज बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जो बहुत दुखद है। इस संबंध में स्थायी उपाय सभी सरकारें ऐसा करने में विफल रही है। ऐसा कहते हुए बाला साहेब आम्बेडकर, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी कपास किसानों को राहत देने के लिए निम्नलिखित योजना का प्रस्ताव करती है। यदि मतदाता, किसान और खेत मजदूर हमें 2024 में राज्य में सत्ता देते हैं तो हम इसे लागू कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 एंड 26 आपको रिलीजियस फ्रीडम देती है और रिलीजियसली आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी एक परिस्थिति है। ये अगर कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका प्रारूप देखना होगा कि उसका प्रारूप क्या है। अगर सरकार, अगर ये कहना चाहते हो कि सरकार कॉमन सिविल कोड थोप सकती है, तो इनको पूरा संविधान जब तक बदलते नहीं तब तक ये थोप नहीं सकते। सिर्फ ये होगा कि आपको आपके पर्सनल लॉ है, शायद पर्सनल लॉज है, उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है या ये कॉमन सिविल कोड के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है। तो ये दोनों इशू जो है, मैं समझता हूँ क्लैरिटी है लोगों में, अभी पहला था नहीं लेकिन अभी लोगों में क्लैरिटी है। जिनको कॉमन सिविल कोड मानना है वो कॉमन सिविल कोड मानेंगे, जिनको कॉमन सिविल कोड मानना नहीं है वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर चलेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 और 26 के माध्यम से जो है वो सरकार, वो हर इंसान को यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। उत्तराखंड के विधानसभा में यूसीसी का बिल लाया गया, उस पर प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि यूसीसी विधानसभा में लाया जाए इसका अधिकार संविधान देता है क्या? ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोपोगंडा है कि हम यूसीसी को लागू कर रहे हैं। अगर ये सिविल कोड लागू भी किया गया तो भी संविधान की आर्टिकल 25 और 26 हमें अधिकार देता है कि आप अपना जीवन कैसे जिए, साथ ही आप अपने धर्म के साथ हो, आपके धर्म की नियमावली के साथ जियो तो कोई आप पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतना ही होगा कि अब आपके धर्म के नियमावली के साथ ये सिविल कोड आ गया है, ये कॉमन सिविल कोड कभी भी सरकार पर थोप नहीं सकता। कपास और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है ये करीब करीब 1,20,000 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सरकार को मिलता है और लगभग लगभग 60 लाख लोग जो है वो कपास की इंडस्ट्री पर डिपेंड है अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कपास को जितना तवज्जो देना चाहिए उतना तवज्जो नहीं दे रही है, जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व सरकार नहीं दे रही। और ये है पिछले 5 साल के हेक्टर में कपास की कितनी लागत हुई, अगर हम लोग इसको देखें तो 5 या 6% से कपास की लागत जो है वो कम हो चुकी है और किसान जो है वो कपास के बजाय दूसरे क्रॉप के ऊपर मोड़ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के लिए चिंता की बात वहाँ पर होनी चाहिए। 30% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है वो कपास से आता है और इसलिए जिस तरह डायमंड इंडस्ट्री को जो है सरकार प्रोटेक्शन देती है, उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि संविधानिक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कपास को प्रोटेक्शन दे।
और इस वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया प्राइस सेक्टर जो है वो केंद्र सरकार फिक्स करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि 500 प्रति क्विंटल जो है वो किसानों को बोनस के रूप में देना चाहिए। महाराष्ट्र की ही बात करूँ हम लोग तो 12 लाख क्विंटल जो है कपास उत्पादित होता है, 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 6,500 जो है वो सरकार पर अतिरिक्त बोझा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ ही साथ जो कॉटन पिकर है, लेबरर है, किसान जो है उतना मुआवजा ना देने की वजह से। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।